बॉलीवुड एक्टर KRK सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आए दिन वो किसी ना किसी को लेकर विवादित बयान देते ही रहते हैं। वो हमेशा ही किसी भी मुद्दे पर काफी बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। हाल ही में KRK ने मुस्लिम लड़कियों के पाकिस्तानी नागरिकों से शादी को लेकर ट्वीट किया है। दरअसल कमाल खान ने कोलकाता की रहने वाली एक लड़की के पाकिस्तानी नागरिक के साथ होने पर अपनी भड़ास निकाली है। KRK ने ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है, आज कोलकाता की एक और मुस्लिम लड़की की शादी एक पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ हुई। मैं बहुत बुरा डिस्टर्ब होता हूँ जब देखता हूँ कि 80% भारतीय मुस्लिम लड़कियां पाकिस्तानी लड़के से शादी करने के सपने देखती हैं। ऐसे में RSS और BJP को हमें देशद्रोही कहने को लेकर उन्हें दोषी कैसे ठहरा सकते हैं, जब भारतीय मुसलमान भारत से ज्यादा पाकिस्तान को प्यार करते हैं। वहीं अब लीजिए KRK का ये ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया है और उन्हें ट्विटर पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उन्हें कह रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम मत कीजिए। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। भाई जी, 90% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर देशभक्त, 10% गद्दार तो सब में है, 10% हिंदूज भी भारत में पाकिस्तान को पसंद करते हैं। देश से गद्दारी कुछ लोगों का पेशा होता है। वी इंडियन मुस्लिम्स डोंट लव एनी अदर कंट्री, वी लव इंडिया ओनली, डोंट स्प्रेड हेट्रेड। द अदर साइड ऑफ द स्टोरी डिपिक्ट्स बिकॉज मेनी मुस्लिम मेन आर लेस केपेबल इन इंडिया, हाउ डज इट साउंड, यू कॉल दोज गर्ल्स देशद्रोही, फर्स्ट चेक व्हाट्स रॉन्ग विथ यू गाइज। And Pakistani girls getting married to Chinese men under the CPEC. तो देखा आपने, मुस्लिम लड़कियों पर ट्वीट करके KRK बुरी तरह फंस गए हैं। वैसे आपको बता दें कि इस ट्वीट में KRK ने BJP की तारीफ की है, जो कि काफी हैरान करने वाली बात है। लगता है एजाज खान की तरह KRK भी अब सुधर गए हैं, तभी तो वो भी मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब वो अपने ट्वीट के जरिए सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी वो कई बार बॉलीवुड स्टार्स को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। पर देखने वाली बात तो अब ये होगी कि सोशल मीडिया पर उड़ रहे मजाक पर KRK अब कैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे आप KRK की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।